चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी। हम जो सरफेस टेंशन को सोच रहे थे, हालांकि हमने सोचा कि यार सरफेस टेंशन बेसिकली किसी भी लिक्विड की, किसी भी फ्लूइड की सरफेस की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम रहे, और उसके कारण वो एक थिन मेम्ब्रेन की तरह बिहेव भी करता है। और सरफेस एरिया कम से कम चाहे वो इसलिए क्योंकि बेटा उस सरफेस के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, एंड वी नो दैट कि एवरी सिस्टम वांट्स टू रिमेन एट इट्स मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो क्या कारण हो सकते हैं उस बड़ा, हम एक तरीके से और सोच सकते हैं, वो देखिएगा। सुनिए बच्चों, हेडिंग लिखना, नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी। सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास बेटा ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बेटा कोई ना कोई लिक्विड है, लेट्स से लिक्विड इज लाइक दिस, ये सरफेस, ये बल्क, ठीक है। बल्क के अंदर मैंने ऐसा मान लिया कि कोई लिक्विड का पार्टिकल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, उसको बड़ा ऑफकोर्स अपने आस पड़ोस वाले मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से यूं पुल कर रहे होंगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, हर तरफ से खींच रहे होंगे, हर तरफ एसिमेट्रिक है, तो ऑफकोर्स बड़ा जितना फोर्स लेफ्ट में उतना फोर्स राइट में, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, हर तरफ बड़ा फोर्स आपका सेम है, नेट फोर्स आपका जीरो आ गया बल्क के अंदर। लेकिन अगर कोई मैं मॉलिक्यूल सरफेस पर लेता हूं तो उसके बाहर तो एयर है, एयर की डेंसिटी तो बहुत कम है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स तो इसके आस पड़ोस में बहुत कम है, तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बहुत कम है, ज्यादा किसके, ज्यादा ऑफकोर्स इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उसने बड़ा जरूर कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगाए होंगे। ऊपर एयर तो बड़ा बहुत ही रेयर है, उसके मॉलिक्यूल्स कम है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यूं खींचेंगे ऐसे ऐसे खींचे। इन सब के कारण अब देखो यहां पर तो क्या हुआ कि नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, बल्कि इस मॉलिक्यूल पर कुल मिलाकर बेटा नोटिस करना, लेफ्ट का फोर्स राइट का फोर्स कैंसिल, इस फोर्स का और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बाइसिमेट्री सेम आएगा, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, नेट फोर्स आ जाएगा नीचे। तो जो भी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर कुल मिलाकर नेट फोर्स आएगा नीचे। अच्छा सर, नेट फोर्स नीचे आएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है बड़ा, वो चलते 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 नीचे आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स डेंसिटी तो फिक्स रहनी है, तो कोई मॉलिक्यूल अगर ऊपर से नीचे आएगा तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर भी जाएगा, तो कोई ना कोई जो मॉलिक्यूल होगा बड़ा वो नीचे से ऊपर भी जाएगा उसकी जगह रोकने के लिए। ये जो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहा है, इट इज मूविंग अगेंस्ट सम फोर्स, अगेंस्ट सम इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये बेटा किसी न किसी इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो सर क्या हो गया ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट जा रहा, तो जरा सोचो इस बात को, सुनना इस बात को, मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो बेटा कोई एम मास का ब्लॉक है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, और वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट एच हाइट ऊपर जाता है, तो तुम जानते हो इस बात को कि यहां के मुकाबले यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और उसकी वैल्यू होती है एम जी एच, बिकॉज इट इज बींग मूविंग अगेंस्ट सम फोर्स, ये यहां से यहां मूव किया अगेंस्ट सम फोर्स, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। एक और एग्जाम्पल लो, चलो बड़ा मान लीजिए कि ये फिक्स्ड, ये स्प्रिंग, इसके साथ बड़ा मैंने ऐसे ब्लॉक बांध दिया, इस ब्लॉक को मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूं, शुरुआत में नेचुरल लेंथ थी, बड़ा मान लो कि मैं इस ब्लॉक को सामने की तरफ एक्स ले गया, पूरे रास्ते स्प्रिंग जो होगी वो इधर की तरफ खींचेगी किसी न किसी फोर्स के एक्स से, और ब्लॉक गया है फोर्स के अगेंस्ट, ब्लॉक अगर फोर्स के अगेंस्ट गया है तो ऑब्वियस बात है कि इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस पोजीशन के मुकाबले ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रखेगी, और इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। आई होप यू टू रिमेंबर दैट। और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे
मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्यू चार्ज है बेटा, मेरे पास मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। लेकिन अगर ये वाला क्यू चार्ज किसी कारण से अगर नजदीक आया, किसी भी कारण से, वेलोसिटी कारण आया, कोर किसी कारण से आया, अगर ये वाला चार्ज पार्टिकल अगर नजदीक आ गया तो ऑब्वियस बात है कि ये मूव कर रहा है अगेंस्ट फोर्स, और अगर ये अगेंस्ट फोर्स मूव कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू इस पोजीशन के मुकाबले ज्यादा होगी। जब भी आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इस केस के अंदर कोई मॉलिक्यूल अगर ऊपर से नीचे आया है तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर भी गया है। जो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गया है वो ऑफ कोर्स इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट गया है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगर अगेंस्ट गया है तो इट ऑब्वियसली मींस दैट कि जो टॉप पर जो मॉलिक्यूल है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाले मॉलिक्यूल। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ग्रेविटी हमने कंसिडर की नहीं है, ये कौन सा, ये एम जी थोड़ी कंसिडर किया मैंने, ये तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट मूव किया, इस बात को कंसिडर कर रहा हूं मैं। तो एक बार के लिए लिख भी देता हूं कि चलो लेट्स से हम ग्रेविटी की तो बात ही नहीं कर रहे, हमने एम जी तो कहीं लिखा ही नहीं, हम तो किस फोर्स की बात कर रहे थे कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं नीचे की तरफ, एक नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहा है नीचे, और उसके कारण कोई मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोई मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहा है। जो भी मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहा है इट इज मूविंग अगेंस्ट द नेट फोर्स, एंड इफ सम मॉलिक्यूल इज मूविंग अगेंस्ट दिस नेट फोर्स ऑफ कोर्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। एंड वी कुड इजीली से कि अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई मॉलिक्यूल है वन और यहां पर कोई मॉलिक्यूल है टू, मॉलिक्यूल वन जो है वो सरफेस पर है और मॉलिक्यूल टू जो है बेटा वो बल्क में है, तो ऑब्वियस बात होगी सरफेस वन पर जो एनर्जी होगी बेटा वो सरफेस सॉरी जो सरफेस वन पर जो एनर्जी होगी वो बल्क टू वाले पॉइंट के मुकाबले ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा होगी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी बेटा दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज नोन एज योर सरफेस एनर्जी, बट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज नोन एज योर सरफेस एनर्जी। सो आई जस्ट मीन टू सेज दैट कि बल्क के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मुकाबले सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ड्यू टू द दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बेटा इस बात को लिखना चाहो लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स एट सरफेस will have extra energy known as surface energy, known as surface energy। सर ये surface energy कितनी होगी, क्या होगी सर, इसका कोई formula वर्मुला बन पाएगा बड़ा? बिल्कुल बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, जरूर बना देंगे यार ना। चलिए बच्चों अगले पेज पे बड़ा हम इस सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं। सुनना बेटा, मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि फिक्स्ड वायर फिर बड़ा हमारे पास एक और फिक्स्ड वायर हमारे पास बड़ा एक और फिक्स्ड वायर और एक वायर ऐसा है जोड़ा मूवेबल है, मैंने उसको यहां लगा दिया ठीक है, और हमने इस सारे के सारे अरेंजमेंट को अगेन बड़ा बाल्टी के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर बड़ा थोड़ा सा अपन ने सोप सॉल्यूशन खोला और इस अरेंजमेंट को डुबो के बाहर निकाला। जैसे डुबो के बाहर निकालेंगे बड़ा यहां पर एक सोप सॉल्यूशन की थिन फिल्म बन जाएगी, ये आपके सोप सॉल्यूशन की थिन फिल्म बन जाएगी, ऐसा सोप सॉल्यूशन जिसकी सरफेस टेंशन बेटा लेट्स से एस है, और ये जो लेंथ है बेटा लेट्स से एल है ठीक। अब हम जानते हैं कि इस तार को ये थिन फिल्म अपनी तरफ खींच रही है बेटा कितने फोर्स से, एस इंटू एल। अब मेरे बच्चे घर बैठे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सोफे पे कूद कूद के बोल रहे हैं सर टू से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा बोल रहे हो ना, अगर आपका तार ये है तो जो आपके सोप सॉल्यूशन की थिन फिल्म है बेटा वो ऊपर से भी खींचेगी और नीचे से भी खींचेगी, एस इन टूएल एस इन टूएल टू एस एल। अगर मैंने इस तार को छोड़ दिया बेटा ऑफकोर्स ये यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा, मैंने क्या किया कि इस पर सामने की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया,
और ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगभग लगभग 2SL के आसपास ही लगाया है, थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्सटर्नल जो है बड़ा मैंने 2SL ही लगाया है। आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर है तो एक्सलरेशन जीरो है, एक्सलरेशन जीरो है तो मैं नेग्लिजिबल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तार को मूव करा रहा हूँ। कैसे मूव करा रहा हूं? नेग्लिजिबल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं और इस तार को बड़ा खींचते 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 मैं एक्स डिस्टेंस आगे ले आया। तो जो सोप सॉल्यूशन की थिन फिल्म पहले सिर्फ यहां थी, अब बड़ा यहां भी है और यहां भी है। ऑफकोर्स बड़ा आपने थिन फिल्म का एरिया बढ़ा दिया और ऑफकोर्स बड़ा पूरे रास्ते आपने एफ एक्सटर्नल जो है वह ऐसे लगाया। मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्डन किया, यू विल से इट्स वेरी इजी। सर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट सही लग रहा है, तो सर उसका वर्डन निकालना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल नहीं बेटा। कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आई कुड इजीली से कि एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्सटर्नल है 2SL इंटू एक्स। कहां गया ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन? आप बोलोगे सर हमें हल्का फुल्का आइडिया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज बेसिकली चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑब्वियसली मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप कहोगे सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, बिकॉज वी मेड एनश्योर कि हम इस तार को धीरे धीरे लेके आए, आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स हर इंस्टेंट पर बराबर है और हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई है 2SLX, S इंटू 2LX। जरा सोचो बेटा 2LX क्या है? 2LX है सरफेस का कितना एरिया बड़ा है वो चेक करो बेटा। कई बच्चे बोल रहे सर LX बड़ा है, नहीं बेटा आपकी थिन फिल्म का एरिया मैंने बेटा इस तार को आगे खींचा तो यू चलते चलते बेटा यहां पर आ गया। ये लेंथ है L, ये लेंथ है x, तो इधर से एरिया बढ़ गया है lx। थिन फिल्म में इधर से एरिया बढ़ा है lx, तो इधर से भी एरिया बढ़ा है lx। कुल मिला कितना एरिया बढ़ गया है? 2lx। तो आप कह सकते हो कि ये जो 2lx है दिस इज बेसिकली चेंज इन एरिया, और आप कह सकते हो कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया, या फिर सरफेस टेंशन, या फिर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बड़ा सरफेस एनर्जी इज इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ले बेटा सरफेस एनर्जी इज सिंपली सरफेस टेंशन इनटू एरिया। एरिया किसका? सिर्फ और सिर्फ जो सरफेसेस हैं उनका ही एरिया आपको लेना है। बस सरफेस का एरिया लेते हुए ध्यान रख लिया करो कि बड़ा सरफेस एक है या दो है, ध्यान रखा करो बड़ा इस बात को। सो यू इज इक्वल्स टू एस इन टू ए, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर। बड़ा ये वाला फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। जिस तरह से फोर्स का हमने फॉर्मूला याद किया बेटा, वैसे हम सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला भी याद रखेंगे। सरफेस एनर्जी इज सिंपली सरफेस टेंशन इनटू एरिया। थिन फिल्म है तो बेटा एरिया ध्यान रखना दो बार लेंगे, और अगर मान लो कि एक ही सरफेस है तो एक ही सरफेस का एरिया अपन लेंगे। अच्छा फॉर्मूला है, बड़ा याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा फॉर्मूला है, प्लीज डू रिमेंबर इट। आगे चले बच्चों, अब इस पर सवाल कैसे पूछ सकते हैं उसको भी देखते हैं। बड़ा मैं आपको दो सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, ये बड़ा IIT JEE एडवांस का सवाल है, बस मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा गया था, मैं बड़ा इसको ऐसे वेरिएबल्स में कर रहा हूं, मोर और लेस बड़ा सवाल सेम ही है। आपके पास बड़ा वॉटर के ड्रॉपलेट है, इसका रेडियस बड़ा कैपिटल R है, इसका सरफेस टेंशन S है, इट इज वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, मैंने किसी तरीके से इसको तोड़ दिया, एक ड्रॉपलेट को बहुत सारे ड्रॉपलेट से तोड़ दिया, मैंने इसको तोड़ दिया है 1000 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स के अंदर, 1000 आइडेंटिकल
स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ दिया। ठीक है ना, मैंने 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर इसको तोड़ दिया। ठीक है, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, जो सवाल पूछ रहा हूं उसी सीक्वेंस में अपने कर रहे हैं तो तुमसे बन भी जाएंगे। फाइंड इनिशियल सरफेस एनर्जी ऑफ सिस्टम, बड़ा सिस्टम की इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी है वो बताओ। फाइंड फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ सिस्टम, थर्ड फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इतने से सवाल है बेटा, चलो करते हैं। पहला वाला कर भी दिया होगा आपने बेटा, पहले वाला अभी करते हैं बेटा। सरफेस एनर्जी इज ऑफ कोर्स सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ये तो ड्रॉपलेट है बेटा, अंदर पूरा बल्क 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 बल्क, सरफेस तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बाहर है, ड्रॉपलेट है तो ऑफकोर्स बेटा ये तो स्फीयर टाइप है, सॉलिड स्फीयर टाइप है ना, अंदर तो बल्क है, सरफेस तो बेटा सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली आएगी। और आप कहोगे दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई 4πr². बढ़िया, ये तो इनिशियल एनर्जी हो गई, फाइनल एनर्जी बेटा, फाइनल एनर्जी निकालने के लिए मुझे इस स्मॉलर ड्रॉपलेट की रेडियस निकालनी पड़ेगी। लेट्स से इसकी रेडियस है स्मॉल r, कैसे निकालें, बहुत सिंपल है बेटा, इस अकेले ड्रॉपलेट का वॉल्यूम और इन 1000 ड्रॉपलेट का कुल मिलाकर वॉल्यूम, पहले वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम इस स्फीयर का ऑफकोर्स है 4π3πr³, बाद वाला वॉल्यूम 1000 ड्रॉपलेट है और हर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है 4π3π, बड़ा उसको मैं रेडियस स्मॉल वाला मान रहा हूं तो स्मॉल r³, 4π3π 4π3π गैप, स्मॉल r की वैल्यू आ गई है कैपिटल r/10। तो सर फाइनल एनर्जी है कितनी, बड़ा ये तो इनिशियल हो गई, फाइनल एनर्जी है कितनी, तो आप बोलोगे कि सर अकेली ड्रॉपलेट, सरफेस तो एक ही है बाहर वाली है, अंदर तो पूरा बल्क है, अकेली ड्रॉपलेट की एनर्जी होगी सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया स्फीयर है इसलिए 4πr², लेकिन रेडियस है कितनी बेटा, रेडियस r नहीं बेटा, r/10। लेकिन ये तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अकेली ड्रॉपलेट की है, मुझे तो पूरे सिस्टम की निकालनी है, सिस्टम के अंदर एक ड्रॉपलेट थोड़ी है, सिस्टम में तो 1000 ड्रॉपलेट है। ठीक है बेटा, दैट कम्स आउट ऑफ 40πr² × s। इनिशियल सरफेस एनर्जी बेटा आपकी थी s इंटू 4πr² बेटा, बाद वाली बेटा आपकी 40πr² × s। तीसरे सवाल में मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा चेंज कितनी है, तो आप बोलो से चेंज इन सरफेस एनर्जीज ऑफ कोर्स u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज बेटा माइनस किया तो 36πr² s। फाइनल सरफेस एनर्जी ज्यादा है और बड़ा इनिशियल सरफेस एनर्जी कम है, ठीक है अच्छी बात है बड़ा। हाँ अब अगली बात सुनो, अब दो तरह के सवाल और पूछ सकते हैं, एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं बताओ कि इस ड्रॉपलेट को इन 1000 ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो भी एनर्जी बढ़ी है, सवाल की लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि जो भी एनर्जी बढ़ी है वो शायद हमारे वर्क डन करने से ही बढ़ी है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि सर हमारा जो वर्क डन होगा वो 36πr² s होगा, अगर ऐसा बोला गया है तो। ठीक, अगर मान लो आपने वर्क डन नहीं किया और ड्रॉपलेट जो है वो ऐसे 1000 ड्रॉपलेट्स के अंदर टूटी है, मान लो टूटी है, आपने वर्क डन नहीं किया, तो इसका मतलब जो सरफेस एनर्जी बढ़ी है वो एनर्जी जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी और फॉर्म से कंपनसेट हुई है, जरूर कोई ना कोई और एनर्जी घटी है
और उतनी आपकी सरफेस एनर्जी बढ़ी है अगर आपने एक्सटर्नल वर्डन नहीं किया है तो। भाई दो तरह के सवाल हो सकते हैं, एक तो ये कि बताओ एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्डन किया कि दिस ड्रॉपलेट हैज कन्वर्टेड इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स, तो आंसर आ गया 36 पाई आर स्क्वायर इनटू एस। लेकिन अगर सवाल में इस तरह की बात पूछी गई है, सुनना इस बात को, कि एक ड्रॉपलेट को ऐसे मैंने 1000 ड्रॉपलेट्स के अंदर डिवाइड किया, कन्वर्ट किया, तो बताओ कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो जरा सोचो कि टेम्परेचर में चेंज क्यों होगा, क्या कारण हो सकता है, तो दिमाग लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि एक ड्रॉपलेट अगर 1000 ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो हमने देखा कि सरफेस एनर्जी 60 पाई आर स्क्वायर एस बढ़ गई है। अगर सरफेस एनर्जी बढ़ गई और आपने वर्क डन नहीं किया तो जरूर कोई ना कोई एनर्जी कम हुई होगी। कौन सी एनर्जी कम हुई होगी, जो इसने हीट पजेस कर रखी होगी बड़ा, जो उसका टेम्परेचर होगा वो हल्का सा घट जाएगा और वो जो टेम्परेचर घट जाएगा वो कंपनसेट करेगा इस सरफेस एनर्जी के इंक्रीमेंट को। तो एक सवाल पूछ सकते हैं बेटा आपसे, सुनना, फोर्थ क्वेश्चन बेटा, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज स्मॉल एस, बेटा स्मॉल एस, कैपिटल एस तो बेटा सरफेस टेंशन, स्मॉल एस बेटा मैंने स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड यूज कर लिया, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, देन फाइंड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन इट ब्रेक्स इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स। जब ये 1000 ड्रॉपलेट्स टूटेगी तो बेटा कितना टेम्परेचर चेंज होगा। तो मेरे पास एक प्लान है बेटा, बहुत ही आसान सा प्लान है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ गए बेटा कि मैं क्या करने वाला हूं। मुझे पता है कि सरफेस एनर्जी बढ़ी है 36 पाई आर स्क्वायर इनटू एस। सवाल की लैंग्वेज कह रही है, सवाल की लैंग्वेज कह रही है कि जरूर ये एनर्जी किसी और फॉर्म से कंपनसेट हुई है, और सवाल कह रहा है कि बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो बड़ा पहली बात बोल दूं, जरूर टेम्परेचर घटा होगा, बड़ा जरूर टेम्परेचर घटा होगा, और कितना टेम्परेचर घटा होगा। तो आप कहोगे सर टेम्परेचर घटने का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ कोर्स एम एस डेल्टा टी, बेटा इस एस को इस एस को काट देना, ये एस बड़ा आपके स्पेसिफिक हीट है। सर ड्रॉपलेट का मास तो नहीं रखा, ड्रॉपलेट का मास विल बी ऑफ कोर्स रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेल्टा टी, बेटा पाई से पाई कैंसिल, ये ना बड़ा मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 27 एस, बड़ा यहां पर भी एक एस था, स्मॉल एस रो आर, इतना टेम्परेचर घटा है बड़ा, ये डिक्रीज लिख देना, इतना टेम्परेचर घटा है बड़ा, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। मुझे 27 एस अपॉन बड़ा स्मॉल एस इनटू रो इनटू आर, ठीक है बढ़ गया, इतना टेम्परेचर घटा है, कर लेंगे इस तरह का सवाल, कोई टफ काम थोड़ा है। आगे चलते हैं इसी बात पे, बड़ा आईआईटी एडवांस का सवाल है, लास्ट वाला पार्ट छोड़ दो, थोड़ा इस तरह का जो सवाल था ऊपर वाला वो मोर ऑर लेस बड़ा आईआईटी एडवांस का सवाल था, लास्ट वाला पार्ट बेटा मैंने ऐसे ही पूछ लिया अलग से। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट एक ऐसा ही सवाल और सुनो बेटा, ये थोड़ा टफ है मैथमेटिकली, सुनना बेटा, हमारे पास क्या है बेटा, एक बबल है, सोप सॉल्यूशन का बड़ा बबल है, ऐसे बबल है, छोटी सी थिकनेस होगी, अंदर भी एयर होगी बाहर भी एयर होगी, बबल है,
ऐसे बबल है बेटा, ठीक है। अंदर बेटा ऑफ कोर्स आपका सोप सॉल्यूशन है, अंदर बेटा आपका ऑफ कोर्स सोप सॉल्यूशन है बेटा, बल्क में तो आपका सोप सॉल्यूशन। ये बेटा आपका सोप सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा ऐसे इस तरह का सा, ठीक है। थिकनेस बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, बढ़िया आ गया। चलिए बेटा रेडियस बेटा आर है, बाहर वाली अंदर वाली रेडियस लगभग लगभग सेम ही है, बट चलो बेटा फिर मैं लिख देता हूं उसकी थिकनेस जो है वो टी है, एंड टी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। ये हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन का बबल है, बबल मतलब समझ ना, बाहर भी एयर बड़ा, अंदर भी एयर, बीच में बड़ा आपका ये सोप सॉल्यूशन। ठीक है, अब बड़ा मैंने क्या किया कि बड़ा इसकी थिकनेस टी है, ये टी है बड़ा, टी इसकी थिकनेस है, वापस से लिख दो, इसकी थिकनेस टी है। मैंने इसको प्रिक कर दिया, फोड़ दिया, फोड़ते ही बेटा ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, बबल जो था वो ऐसे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। इट कन्वर्ट्स इनटू ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन जो है बड़ा वो एस है, ड्रॉपलेट का बड़ा रेडियस बेटा मुझे पता नहीं है, निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ये ड्रॉपलेट में। अच्छा कुछ और भी होते हैं ना इसमें, एक मिनट, ये होते हैं ना, हाँ ऐसे ऐसे बेटा ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ड्रॉपलेट के बड़ा रेडियस वेडियस मुझे पता नहीं है, वो बड़ा करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी ज्योमेट्री लगाकर थोड़ा दिमाग लगाकर करनी पड़ेगी, ऐसे बड़ा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो चुका है। सरफेस टेंशन एस है, रेडियस आर है, थिकनेस जो बड़ा पतली सी बड़ा टी है, फाइन। अगेन बड़ा बहुत ही सीक्वेंस वाइज सवाल दे रहा हूं तुम लोगों को, फाइन। इनिशियल सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, तीन काम करो बेटा, और भी काम होंगे लेकिन बेसिक काम तीन है, पहले ये निपटाओ, पहले बेटा ये निपटाओ, निपटाओगे ना बच्चों। चलो बेटा इनिशियल सरफेस एनर्जी लिखते हैं बेटा, इनिशियल सरफेस एनर्जी, हम फॉर्मूला जानते हैं सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया क्या बच्चों का मन कर रहा है सर 4πr² ना बेटा 8πr² सर, 8πr² कैसे, सरफेस बेटा दो है, चेक कर, एक सरफेस ये रही
सोप सॉल्यूशन और एयर के बीच में, एक सरफेस ये रही, अगेन सोप सॉल्यूशन और एयर के बीच में, देयर आर टू सरफेसेस, 4πr² बाहर वाले का एरिया, 4πr² ही अंदर वाले का एरिया, क्योंकि बेटा रेडियस मोर और लेस सेम ही है, थिकनेस तो बहुत छोटी है, तो आप कह सकते हो कि दैट इज सरफेस टेंशन इनटू 8πr². ये तो सबसे आसान था, ये तो हमने मचा दी। बाद वाला कितना है बेटा? बाद वाला तब निकालोगे ना, बाद में जब ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया तब एक ही सरफेस है, सिर्फ ये वाले, ये वाले, लेकिन उसका भी आंसर तो तब आएगा ना जब मुझे रेडियस पता होगा। सर इसका रेडियस कैसे पता होगा? बेटा रेडियस तो पता लगेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन से। सर वॉल्यूम कंजर्वेशन? हाँ बेटा, ऑब्वियस बात है कि ये जो वॉल्यूम है ब्लैक 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 जो बना रखा है, यह जो वॉल्यूम है और ये जो ब्लैक 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 वाला वॉल्यूम है, ये सेम होना चाहिए। इस ब्लैक 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 के अंदर वो सोप का लिक्विड होगा, इस ब्लैक ब्लैक के अंदर वो सोप वाला लिक्विड होगा, ये प्रिक कर इसको फोड़ कर तुमने इसके अंदर कन्वर्ट किया है, तो ये वाला जो वॉल्यूम है और ये वाला जो वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम नहीं, अंदर तो एयर है, ये वाला जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम मस्ट बी सेम। थोड़ा पहले ना वॉल्यूम कंजर्व करो और वो रेडियस निकालो, वो रेडियस आएगी तब जाके सवाल बन पाएगा। तो चलो बच्चों, मैंने कहा कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम नहीं, ये जो बड़ा अंदर सोप सॉल्यूशन जिसमें पड़ा है उसका वॉल्यूम। सर कैसे लिखोगे? बड़ा बहुत आसान है, 4πr², 4πr² तो हो गया एरिया इनटू थिकनेस, यही बड़ा आपका वॉल्यूम, इट शुड बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इज 4/3πr³ इनटू t, 4π कैंसिल, ओह सॉरी बड़ा मेरे पास r की वैल्यू आ गई है 3 times r² t की पावर 1/3, ये रेडियस। एक काम हुआ अभी तक, तो यार एनर्जी बताओ बड़ा, बाद में एनर्जी कितनी है? बड़ा बाद में एनर्जी है u final is सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन तो s, एरिया सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस है बाहर, अंदर तो बल्क ही बल्क है, इसमें दो सरफेस थी, ये वाली और ये वाली, 4π into radius² रेडियस इज नॉट कैपिटल आर, रेडियस इज स्मॉल आर, आप बोल सकते सरफेस टेंशन इनटू 4πr², आर स्क्वायर हो गया 3r² t की पावर 2/3, दिस इज यू फाइनल, मचा दी बेटा। थर्ड क्वेश्चन, अरे यार थर्ड क्वेश्चन है, हमसे पूछा बड़ा होगा तो बताया कि चेंज इन सरफेस एनर्जी कितनी है। बेटा वैसे चेंज बोला जाए तो हमेशा लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या लिखते हैं बेटा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज जब भी पूछा जाएगा तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ही लिखते हैं, हालांकि हम जानते हैं फाइनल वाला कम है इनिशियल वाला ज्यादा है, नेगेटिव आएगा, बट तुम तो लिख दो चेंज इन सरफेस एनर्जी भी दिस माइनस दिस। बेटा देखना क्या क्या कॉमन आ गया, 4πs ये तो कॉमन आ गया, और बेटा ये क्या आ गया 3r² t की पावर 2/3 माइनस 4πs कॉमन आ गया तो 2 times r² हाँ बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक करना बेटा 8π, ठीक है सर। इसके कारण में क्या इस सवाल में भी हम क्या चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला सवाल बेटा आपका ये है, फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका ये है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, स्मॉल एस जो है बेटा वो उसकी स्पेसिफिक हीट है, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर ऐसे प्रिक करूंगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? बड़ा वेरी सिंपल, वी कुड इजीली से कि दिस चेंज इन एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू ms∆t। सर मास कैसे होगी? रो इनटू बड़ा अगेन ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम,
ये वाला वॉल्यूम बेटा तुम जानते हो, 4πr² इंटू टी, ये तो मास हुआ है, इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। इन सबको नीचे ले आओ आपका बेटा, इन सबको इसके नीचे ले आओ आपका डेल्टा टी है। एस से एस बेटा काटना मत, ये एस आपकी सरफेस टेंशन है और ये आपकी एस बेटा आपकी स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी आ गया। और डेल्टा टी बेटा पक्की बात है कि नेगेटिव आएगा, मैंने बेटा सवाल वेरिएबल्स में कराया लेकिन आप समझ होंगे डेल्टा टी पक्की बात बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर तो घटा है, टेम्परेचर तो घटा है। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा, आसान से काम था। इस तरह के सवाल बड़े आराम से अपन से आईआईटी एडवांस के अंदर भी पूछ सकते हैं। ये जो सवाल कराया ये मुझे लगता है कि बेटा कभी ना कभी आईआईटी एडवांस के अंदर भी आएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर एक सवाल बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आईआईटी पहले पूछ चुके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। ऐसा मतलब सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन उसके अंदर भी ऐसा शेल था, उसको फोड़ के बेटा उसे सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट किया गया था। ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेटा आईआईटी एडवांस पहले सवाल पूछ चुके, तो क्या पता यही पूछ ले। और ऑब्वियस बात है कि बेटा अगर इतनी सारी बातें पूछेगी तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप पूछेगी और उसमें तो तुम जानते हो बेटा नंबर भी ज़्यादा आते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। आई होप इट्स ओके, आगे चलते। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इसी में अगला टॉपिक, दैट इज एक्सेस प्रेशर। हेडिंग लिखो बच्चों, अच्छा सा आसान सा टॉपिक है बेटा। नाम तो हमने कई बार सुना हुआ है एक्सेस प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है, सराउंडिंग से किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना ज्यादा प्रेशर है, दैट ज्यादा दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज एक्स्ट्रा प्रेशर। इसको हमने कभी ना कभी शायद एक नाम और भी दिया होगा, गॉज प्रेशर। दिया होगा ना? सुनिए बच्चों, बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह से कोई स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, बड़ा स्फेरिकल कोई ना कोई ड्रॉपलेट है एंड ये जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट है अंदर से बड़ा ऑफकोर्स पूरी भरी हुई है इस तरह से, अंदर बड़ा आपका लिक्विड भाई, ठीक है बच्चों। अब अंदर बड़ा इस तरह से लिक्विड है, ये आपके ड्रॉपलेट। अब होगा क्या कि बेटा अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर से हल्का सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो जितना ज्यादा होगा ना जितना एक्स्ट्रा होगा उसी का हमने नाम निकाल दिया है। क्या नाम निकाल दिया है? एक्सेस प्रेशर। सुनना, ये अपने ड्रॉपलेट है, ये अपने एक तरह से लेट पृथ्वी, क्या करते हैं ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, ये बड़ा हमारी वाटर की ड्रॉपलेट है। अब बाहर का जो प्रेशर होगा वो पी एटमॉस्फेरिक होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा वो पी एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, पी एटमॉस्फेरिक थोड़ा सा ज्यादा होगा। मैं कारण भी बता रहा हूं कि बेटा कारण क्या है ज्यादा होने के पीछे, सुनना इस बात को। हम जानते हैं कि बाहर से एटमॉस्फेयर जो है वो लगातार इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, लगातार ऐसे पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं। इधर ऑफ कोर्स आउटसाइड वाला फोर्स आ गया, अंदर जो एयर है बड़ा वो बाहर की तरफ पुश करेगी, अंदर एयर नहीं बेटा अंदर जो लिक्विड है वो ऑफ कोर्स बड़ा बाहर की तरफ पुश करेगा, ऐसे 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 पुश करेगा। लिक्विड का जो प्रेशर होगा उसके कारण लिक्विड बाहर की तरफ पुश करेगा। हम यह भी जानते हैं कि हमारा सारा का सारा जो स्फीयर है वो तो कंप्रेस होना चाहता है, वो चाहता है कि एरिया कम से कम हो, और वो एरिया कम से कम होने के लिए सरफेस के अलोंग फोर्सेस लगाता है, सरफेस टेंशन के फोर्सेस। तो सरफेस के अलोंग अगर देखूं, सरफेस के अलोंग अगर देखूं तो ये अगर सरफेस है तो बड़ा सरफेस जो है
वो भी बेटा ऐसे टेंजेंशियल बेटा फोर्सेस लगा रही है, यूं टेंजेंशियल फोर्सेस लगा रही है। ये जो टेंजेंशियल फोर्सेस है इनके भी एक एक कंपोनेंट अंदर की तरफ आएंगे। तो अंदर की तरफ लगने वाले दो फोर्स हो गए, कौन से जो एटमोस्फियर है वो भी फोर्स लगा रहा है, और जो सरफेस है उसके अलोंग स्फीयर जो है वो अपने आप को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। ये जो बेटा सरफेस के अलोंग खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, और इस कारण से सरफेस के अलोंग जो खींचा था नहीं है उसका भी एक कंपोनेंट अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर वाले फोर्स ज्यादा है, कौन कौन है, एटमोस्फियर है और सरफेस टेंशन का फोर्स भी अंदर की तरफ आ रहा है। उन दोनों को बैलेंस करने के लिए लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर होगा वो एटमोस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो वाला जो फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर पाएगा। तो अंदर का जो प्रेशर है मेरे बच्चों वो पी एटमोस्फेरिक नहीं होगा बल्कि पी एटमोस्फेरिक से हल्का सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा बेटा, उसी को हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। ये जो डेल्टा पी है बेटा इसको हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर, ये हमारा एक्सेस प्रेशर। तो बेटा इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि कोई भी सिस्टम ऐसे अंदर की तरफ आना चाहेगा, अंदर की तरफ आना चाहेगा तो अंदर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर वाले पर प्रेशर कम होगा। और अंदर आना क्यों चाह रहा है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए। सर अंदर कितना प्रेशर ज्यादा होगा, बड़ा अंदर कितना प्रेशर ज्यादा होगा, मैं उसको दो तरीके से डिराइव कर सकता हूं, है ना बड़ा, उसको हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। आसान आसान से डेरिवेशन है और डेरिवेशन में हम ऑफकोर्स बड़ा कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, है ना, कोई बहुत भारी काम नहीं है। सबसे पहले ये जो अपना स्फीयर है ना इसको ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, मतलब फिजिकली कट नहीं, दिमाग में कट कर लो कि हाँ भाई हम हेमिस्फीयर को स्टडी कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये तो क्रॉस सेक्शन हेमिस्फीयर का एंड इट विल लुक लाइक दिस। ये सारा का सारा बड़ा लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। बाहर का प्रेशर बड़ा मैं एक बार के लिए P1 मान लेता हूं कि बाहर प्रेशर है P1, और लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है मैं एक बार के लिए मान लेता हूं P2, ठीक है। जो इस स्फीयर का रेडियस है बड़ा मैंने मान लिया R। ऐसे मान लो समथिंग लाइक ऐसे मान लो कि लेदर बॉल जो होती है उसमें सीम होती है बड़ा बीचों बीच, ऐसे धागे 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 लगे होते हैं सरकमफेरेंस पे, तो सीम के अलोंग उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि जो आपकी लेदर की बॉल है उसका जो हेमिस्फीयर है बिल्कुल बीचों बीच से कट कर दिया, इमेजिनरी कट कर दिया, और फिर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना बेटा, रेडियस आर है तो अंदर वाला जो लिक्विड होगा, अंदर वाला जो लिक्विड होगा वो ऑफ कोर्स बेटा ऐसे बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा ऐसे, दैट विल बी पी टू मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पी टू इंटू पाई आर स्क्वायर। बाहर की अगर बात करूं तो थोड़ा बाहर से भी फोर्स लगेगा, बाहर से फोर्स प्रेशर है P1, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स यूं आएगा, नेट फोर्स यूं आएगा, और जो नेट फोर्स यूं आएगा उसको आप बड़े इत्मीनान से लिख सकते हो P1 मल्टीप्लाइड बाई पूरा एरिया, नहीं ऐसा नहीं कि बेटा 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, फोर्स है ऐसे तो पूरा का पूरा एरिया नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हैं। फिर से बोलता हूं मैं इस बात को, हर तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर फोर्स ऐसे भी लगा रहा है, ऐसे भी लगा रहा है, इस फोर्स का और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, नेट फोर्स आएगा ऐसे। नेट फोर्स लिखने के लिए आप लिख सकते हो बाहर का प्रेशर P1 मल्टीप्लाई बाय एरिया, बट एरिया इज नॉट 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिख रहा है, एरिया हमेशा किस तरफ लिखते हो, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर वाला एरिया, और जो परपेंडिकुलर वाला एरिया है बेटा वो तो ये क्रॉस सेक्शन ही आएगा, दिस क्रॉस सेक्शन इज ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर। अभी एक फोर्स बच गया, सर कौन सा फोर्स बच गया, बेटा अभी ये वाला फोर्स बच गया कि ये जो पूरा का पूरा सीम है, ये जो बड़ा सर्कमफेरेंस है, सिर्फ सरफेस वाले पॉइंट लेना, अंदर वाले पॉइंट नहीं बेटा, अंदर वाले पॉइंट में इंटरेस्ट ही नहीं मेरे को, ये जो सरफेस पर पॉइंट है इस हेमिस्फीयर के सर्कमफेरेंस के सारे पॉइंट्स को, उधर वाला जो हेमिस्फीयर है जुड़ा हुआ है उसके साथ, वो हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे। अगर यहां पर छोटी सी लेंथ है डीएल तो बाहर की तरफ खींच रहा है S इंटू डीएल से, यहां पर छोटी सी लेंथ है, ओ सॉरी
बाहर की तरफ खींच रहा है, 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 बाहर की तरफ खींच रहा है। तो पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस पर सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण हेमिस्फीयर के सर्कमफेरेंस पर जो उधर वाला जो हेमिस्फीयर होगा अपनी तरफ खींच रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे लेदर बॉल पे जो सीम है, जो सीम बड़ा सीम समझते हैं जैसे धागे लगे होते हैं, तो जो धागे लगे होते हैं वो धागे 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 बड़ा उनमें टेंशन होगी और उन टेंशन के कारण पूरी सरफेस पर इधर वाला हेमिस्फीयर इधर वाले हेमिस्फीयर को खींचेगा और इधर वाला हेमिस्फीयर ऑफकोर्स लेदर बॉल के इस हेमिस्फीयर को यूं खींचेगा। और हम जानते हैं कि अगर ये हमारा सारा का सारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऑब्वियस बात है बेटा जी लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि पी टू इंटू पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू राइट का फोर्स दैट इज इक्वल्स टू पी वन इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस टेंशन। अरे बेटा सारा फोर्स कैसे लिखो, बच्चों सरफेस टेंशन इंटू ये वाली लेंथ, सरफेस टेंशन इंटू ये वाली लेंथ, लेंथ इज ऑफ कोर्स 2 पाई आर, पाई 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 गया आर 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 गया और हमारे पास पी टू माइनस पी वन की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चे, और बेटा कितनी आ गई है आर नीचे चला जाएगा दैट इज 2s अपॉन आर, कि अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से 2s अपॉन आर ज्यादा होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर से 2s अपॉन आर ज्यादा होगा। इतनी सी बात है बेटा, कोई बहुत हाई फाई बात नहीं है। तो मैं फिर से इस बात को बोल दूं कि अगर हमारे पास इस तरह से बेटा कोई स्फीयर है और अगर बाहर का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक है, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन अगर एस है, रेडियस अगर आर है, तो अंदर वाले पॉइंट पर प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक नहीं होगा बल्कि पी एटमॉस्फेरिक प्लस 2s अपॉन आर। किस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, कोई भी सरफेस देख लो बेटा इस तरह से, उस सरफेस में जिस तरफ सेंटर होगा, भाई ये आपकी एक तरह से कॉनकेव टाइप ऑफ सरफेस है, ऑफ कोर्स बेटा इसका सेंटर इस तरफ है, जिस तरफ सेंटर होगा उस तरफ प्रेशर इस तरफ से ज्यादा होगा, यहां का प्रेशर पी होगा तो यहां का प्रेशर बेटा पी प्लस 2s अपॉन आर होगा, यहां का प्रेशर पी वन होगा तो यहां का प्रेशर पी वन प्लस 2s अपॉन आर होगा, यहां का प्रेशर पी टू होगा तो यहां का प्रेशर पी टू प्लस 2s अपॉन आर होगा। तो जो भी आपकी इस तरह से स्फेरिकल सरफेस है उसके सेंटर वाली साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा और जो ज्यादा होगा जो एक्स्ट्रा होगा दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज योर एक्सेस प्रेशर एंड द फॉर्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर कम्स आउट विद 2s अपॉन आर। ठीक है बेटा, तो इस बात को हमेशा 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 याद रखें। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेरे पास ये सरफेस सेंटर की तरफ वाली साइड ये है, अगर यहां का प्रेशर P है तो इस तरफ बड़ा प्रेशर P प्लस डेल्टा P होगा, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो इट विल बी P प्लस डेल्टा P विल बी 2s अपॉन R। S क्या है, इस सरफेस का सरफेस टेंशन। इतना सा बड़ा आपका आंसर एंड दिस 2s अपॉन R इज नोन एज बड़ा योर एक्सेस प्रेशर या फिर गॉज प्रेशर। यहां पर बड़ा हम एक्सेस प्रेशर शब्द थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। मेरे बच्चे समझ तो गए होंगे, हम इस एक्सेस प्रेशर को एक स्टाइल से और भी बड़ा निकाल सकते हैं। हालांकि ठीक है बेटा, ये भी तरीका अच्छा है, ये एनर्जी का तरीका है, सुनना बेटा। जैसे बेटा हमने अंदर का प्रेशर कितना लिया, हाँ बेटा अंदर का पी टू लिया, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह से स्फीयर, बड़ा इस तरह से आपके पास कोई स्फीयर, इसका रेडियस लेट्स से बड़ा आर है, अंदर का जो प्रेशर है वो पी टू है, बड़ा बाहर का प्रेशर पी वन है, बड़ा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ऐसे अंदर से भरा हुआ, भले लिक्विड से भरा हो बोलने के लिए सॉलिड स्फीयर है, ठीक। अब सुनना बेटा, अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा हर तरफ ऐसे, उसको अगर मैं स्केलरली अगर जोड़ना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P2 इंटू पूरा एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स फोर पाई आर स्क्वायर, बाहर का प्रेशर P1 है वो हर तरफ से बड़ा यू फोर्स लगा रहा हूं,
वही बेटा फोर्स लगा रहा होगा। उस सारे के सारे फोर्स को अगर मैं स्केलरली ऐड करके लिखूं तो उस फोर्स की वैल्यू आएगी पी वन इंटू फोर पाई, सॉरी बेटा पी वन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर इज दैट सरफेस एरिया। मान लीजिए बेटा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा बेटा बाहर का प्रेशर कम, तो अंदर से फोर्स ज्यादा लग रहा बाहर से फोर्स कम लगा, ये एक्सपेंड किया और हल्का सा रेडियस बढ़ा, हल्का सा रेडियस, थोड़ा सा बड़ा रेडियस बढ़ा, लेट से बड़ा रेडियस बढ़कर हो गया आर प्लस डी आर। तो इसका मतलब आपका ये जो शेल है ये बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर। कितना वर्क डन हुआ इन प्रेशर्स का, तो आप बोलोगे वेरी सिंपल, अंदर वाले ने फोर्स लगाया बाहर पी टू इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, और बाहर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है डी आर। जो बाहर वाला पी वन प्रेशर है उसने फोर्स लगाया अंदर, डिस्प्लेसमेंट है बाहर, तो वर्क डन आएगा माइनस पी वन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। माइनस क्यों बेटा, क्योंकि फोर्स है अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है बाहर की तरफ। सो द वर्क डन हैज टर्नड आउट इनटू बी पी टू माइनस पी वन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। व्हाट डू यू थिंक कि बेटा इस वर्क डन ने क्या किया होगा? बेटा मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्क डन ने ना इस पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज किया होगा। आप बोलोगे हाँ सर ऑफ कोर्स, पहले सरफेस एरिया कम था बाद में सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सर पक्की बात है कि सरफेस एनर्जी तो बढ़ी होगी। कितनी सरफेस एनर्जी बढ़ी है? तो आप बोलोगे सर सरफेस एनर्जी बढ़ी है फाइनल माइनस इनिशियल, सरफेस टेंशन इंटू फोर पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज आर प्लस डी आर, माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी दैट इज फोर पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू 4 पाई एस, तो ठीक है आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर 2 आर डी आर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल। जो भी आपके इस प्रेशर ने वर्डन किया होगा वो सरफेस एनर्जी को बढ़ाने का काम आ रहा होगा। तो बेटा दोनों को बराबर करता हूं मैं, दिस इज माय लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई लेट से इक्वेशन नंबर 2। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को बराबर किया मेरे पास आ गया कि पी टू माइनस पी वन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल्स टू, बड़ा ये देखना क्या लिखा हुआ है फोर पाई एस। अंदर में देखो क्या लिखा हुआ है, अंदर में लिखा हुआ है टू आर डी आर, बस यही लिखो। सर ये डी आर स्क्वायर क्यों ना लिखो? अरे बेटा इसके सामने ये तो बहुत छोटा है ना, इसमें सिर्फ डी आर है, इसमें डी आर इंटू डी आर है, डी आर लुटा पिटा, डी आर इंटू डी आर तो और लुटा पिटा, छोड़ो ना यार। डी आर से बड़ा डी आर क्या हो गया कैंसिल, बड़ा फोर पाई से फोर पाई, अरे यार क्या कैंसिल कर दिया, फोर पाई से फोर पाई क्या हो गया कैंसिल, एक आर से बड़ा एक आर भी क्या हो गया कैंसिल, और हमारे पास पी टू माइनस पी वन की बड़ा वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 2s अपॉन r। तो अंदर का जो प्रेशर होगा बड़ा वो बाहर के प्रेशर से हल्का सा ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा 2s अपॉन r ज्यादा होगा, बड़ा कितना ज्यादा होगा 2s अपॉन r ज्यादा होगा। आई होप इसे हम हैंडल कर सकते हैं। अरे हाँ, ये जो p2 माइनस p1 है बड़ा इसी का हम नाम निकाल देंगे, दिस इज अवर एक्सेस प्रेशर, या फिर बड़ा आपका डेल्टा p। ठीक है बच्चा आगे चले, चलो आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। सर सोप बबल में फॉर्मूला कुछ अलग है क्या? हाँ बेटा हल्का सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सुनना। उसमें दो सरफेस होंगी इस कारण से फर्क पड़ेगा। मान लीजिए बेटा आपके पास सोप बबल है कोई,
बट ऐसा कोई सोबबल है, ठीक है, ऐसा कोई सोबबल है। बीच में ऑफ कोर्स पूरा का पूरा लिक्विड ही है, यहां थोड़ा आपका लिक्विड ही है, यहां बड़ा आपका पूरा का पूरा लिक्विड है, सॉप सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बड़ा आपका पूरा का पूरा ऐसे सोप सॉल्यूशन ऐसे अंदर की तरफ, ये ले बड़ा। ठीक है, अब जो इनर रेडियस है मैं एक बार के लिए ऐसे मान लेता हूं कि वो आर वन है, और जो आउटर रेडियस है बड़ा वो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि आर टू है। देखने का क्या बड़ा, जो आउटर रेडियस है वो ऐसे आर टू है। ठीक है, ये जो भी लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन एस है। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास बड़ा कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये ए, दूसरा बड़ा पॉइंट यहां कहीं बी, और अंदर बड़ा ये तीसरा पॉइंट सी। ए पॉइंट एयर में है, बी पॉइंट लिक्विड के अंदर है, और सी पॉइंट वापस से एयर में है। भाई सोप सॉल्यूशन का जो बबल है उसके अंदर तो एयर ही होगी ना, तभी तो बबल है। अब देखना, लेट्स से कि ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो पी एटमॉस्फेरिक है, लेट्स बड़ा वो पी एटमॉस्फेरिक है। अब ए पॉइंट के मुकाबले बी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा जरा सोचते हैं। ए और बी के बीच में एक सरफेस है ऐसी, ए और बी के बीच में एक सरफेस है ऐसी जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है, और सरफेस का सरफेस टेंशन एस है। तो अगर ए वाले पॉइंट का प्रेशर अगर पी एटमोस्फेरिक है तो बी वाला जो पॉइंट है वो इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर की तरफ है, तो इस बी वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो ए पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा 2s अपॉन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है r2। इन दोनों के बीच में जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r2 है, तो b पॉइंट पर प्रेशर होगा pa प्लस 2s अपॉन r2। तो ए के मुकाबले बी पर प्रेशर ज्यादा है, ए पर प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक था, दैट इज पी एटमॉस्फेरिक प्लस टू एस अपॉन आर टू। अब बी और सी को कंपेयर करो, अभी करते हैं। बी और सी के बीच में फिर से एक सरफेस है ऐसे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, और बी वाला पॉइंट यहां कहीं है और सी वाला पॉइंट यहां कहीं, सी वाला पॉइंट इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर की तरफ है, तो सी वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, एंड दैट विल बी पीबी प्लस 2s अपॉन जो भी बीच में सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। सर बी पर प्रेशर कितना है, बड़ा बी पर प्रेशर है पीए प्लस 2s अपॉन r2 प्लस बड़ा आपका ये 2s अपॉन r1। इसका मतलब सी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ए पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा है, और सी पॉइंट पर जो प्रेशर है इट इज प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस 2s अपॉन आर वन प्लस 2s अपॉन आर टू। यह बड़ा ऐसे बोल दो कि बाहर का प्रेशर अगर पी एटमोस्फेरिक है तो अंदर का प्रेशर आ गया पी एटमोस्फेरिक प्लस 2s अपॉन आर वन प्लस 2s अपॉन आर। बाहर का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक और अंदर का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक से इतना ज्यादा, और जितना ज्यादा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो आप बड़े आराम से इस बात को बोल सकते हो कि मेरे पास एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई है इस केस में,
क्या वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई है 2s अपॉन आर वन प्लस 2s अपॉन आर टू, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। आर वन आर टू क्या है बेटा, जो आपकी इनर सरफेस और आउटर सरफेस है उनके रेडियस। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा जो सोप सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आर वन की वैल्यू और आर टू की वैल्यू लगभग सेम ही होती है, और अगर दोनों की वैल्यू लगभग सेम है और लेट्स से आर है तो आप सीधा ही बोल देना कि सर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हो गई है 2s अपॉन आर प्लस 2s अपॉन आर, बट दैट कम्स आउट टू बी 4s अपॉन आर। तो एक्सेस प्रेशर अगर सोप बबल के केस में अगर देखो तो आप दो फॉर्मूले याद कर सकते हो, 2s अपॉन आर1 प्लस 2s अपॉन आर2, अगर अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस अलग अलग है तो। अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है थोड़ा सीधा बोल देना कि अंदर का प्रेशर जो होगा वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स बेटा 4s अपॉन r ज्यादा होगा, 4s अपॉन r ज्यादा होगा। चलिए बेटा याद रख लोगे बेटा, मैं इसके आगे रिमेंबर भी लिख रहा हूं, ये हमें याद रखना है, ये याद रखो ना रखो ये याद रखना है, 4s अपॉन r हमें याद रखना है, जितने भी सवाल है बेटा वो ऑफकोर्स 4s अपॉन r पर ही होंगे। आगे चले बच्चों, चलिए बेटा नए पेज पे चलते हैं, सवाल करते हैं। सवाल बड़ा, एक सोप सॉल्यूशन का बबल रेडियस है कम, एक सोप सॉल्यूशन का बबल रेडियस है ज्यादा, सोप सॉल्यूशन का बबल इसका रेडियस बड़ा है बड़ा, ये भी एक सोप सॉल्यूशन का बबल इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस कम है ठीक। इन दोनों को मैंने एक स्ट्रो से जोड़ दिया, एक पाइप से जोड़ दिया, स्ट्रो से जोड़ दिया, एक स्ट्रो से जोड़ दिया, ऐसे एक बड़ा मैंने स्ट्रो से इस तरह से जोड़ दिया ठीक है। ये बड़ा क्लोज नहीं, ओपन नहीं है, स्ट्रो से जोड़ दिया, इसमें भी एयर है इसमें भी एयर है। मेरा सवाल है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा बेटा, एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, कौन सा बबल बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, क्या फाइनली दोनों बबल्स की साइज सेम हो जाएगी, क्या होगा। सुनो बेटा, ये भी सोप सॉल्यूशन, ये भी सोप सॉल्यूशन, तो दोनों का सरफेस टेंशन तो सेम हो गई, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कम, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ज्यादा, तो यहां का प्रेशर अगर पी एटमोस्फेरिक है तो इसके अंदर का प्रेशर है पी एटमोस्फेरिक प्लस 4s अपॉन r, r है कम तो ऑफ कोर्स ये प्रेशर है ज्यादा। यहां देखो, इसके अंदर का जो प्रेशर है उसे हम लिख सकते हैं पी एटमोस्फेरिक प्लस 4s अपॉन बड़ा जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर। मैं जानता हूं कि कैपिटल आर है बड़ा तो ऑफ कोर्स प्रेशर है कम। अब हम इस बात को जानते हैं कि यहां का प्रेशर ज्यादा है और यहां का प्रेशर कम है, एयर फ्लोस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो एयर भागेगी बेटा, एयर फरार होगी, एयर भागेगी ऐसे, गौर की बेटा एयर कहां से कहां तक भागी, एयर भागी है छोटे वाले बबल से बड़े वाले बबल में, लेकिन जैसे जैसे छोटे वाले बड़े बबल से बड़े वाले बबल के अंदर जाएगी, ये तो ऑब्वियस बात है ना कि एयर जब इसमें जाएगी तो इसका रेडियस तो बढ़ेगा, अरे भाई इसका रेडियस बढ़ेगा तो इसका प्रेशर तो और घटेगा,
इसमें से एयर जाएगी तो इसका रेडियस तो घटेगा, अरे भाई इसका रेडियस अगर घटेगा तो इसका प्रेशर तो और बढ़ेगा, तो हर टाइम पर यहां का प्रेशर ज्यादा रहेगा और यहां का प्रेशर कम रहेगा, तो एयर फिर थोड़ा लगातार चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तब तक जब तक इसकी सारी की सारी एयर इसमें ना चली जाए, और फाइनली ये तो वैनिश हो जाएगा और इसकी सारी की सारी जो एयर है वो इसमें आ जाएगी। तो आप फाइनली कह सकते हो कि छोटे वाले बबल की साइज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग टिल इट वैनिश एंड एंटायर एयर ऑफ द स्मॉलर बबल विल फ्लो इन टू द लार्जर बबल। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक और सवाल सुनना बेटा। बढ़िया सवाल है बेटा, ये आपके पास एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर जो प्रेशर है वो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत कम प्रेशर मैं जानता हूं बेटा, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसके अंदर सोप सॉल्यूशन के दो बबल हैं, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेम्परेचर बेटा टी है, हर जगह सेम ही है। दीज आर, दिस इज बबल वन, दिस इज बबल टू, दीज आर सोप बबल्स। बबल्स हो गए ना, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2S/R नहीं है, 4S/R है, ठीक है। सो बबल की बड़ा सरफेस टेंशन मुझे दे रखी है 0.04 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे बड़ा सोप की सरफेस टेंशन 0.03 के आसपास होती है, लेकिन वैल्यूज अच्छी सेट हो जाए इसलिए बड़ा 0.04 दे रहा हूं, ठीक है। सवाल बेटा, फाइंड प्रेशर इनसाइड बबल वन एंड बबल टू। बबल वन के अंदर प्रेशर कितना है, बबल टू के अंदर प्रेशर कितना है, जल्दी बताओ। अब बाहर का प्रेशर 8 है तो अंदर का प्रेशर 8 से तो ज्यादा होगा, लेट से P1 होगा, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि P1 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस बड़ा ऑफ कोर्स 4S/R, सब कुछ बड़ा SI यूनिट में लिखना। 4 times सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बेटा कितनी है, और बेटा ये 0.04 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं बेटा, न्यूटन पर मीटर है, सरफेस टेंशन की यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। 4S, S कितना बेटा 0.04 अपॉन रेडियस, बेटा व्हाट्स द रेडियस, 2 सेंटीमीटर, That is of course 2 × 10⁻²। बड़ा 8 और 8 16, 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बढ़िया। सेकेंड में प्रेशर कितना होगा, कम होगा, रेडियस बड़ा है तो प्रेशर कम होगा, कितना होगा, बाहर का प्रेशर प्लस 4S/R, 8 प्लस, बड़ा बबल है ना इसलिए बड़ा 4S/R लिखा, ड्रॉपलेट होते 2S/R लिखता मैं, 4 times सरफेस टेंशन दैट इज 0.04 अपॉन R, R इज बड़ा 4 सेंटीमीटर, बड़ा 4 सेंटीमीटर को तुम 0.04 लिख सकते हो, बड़ा आ गया 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। प्रेशर निकाल लिया, एक सवाल और कर लो बेटा, मेन तो यही काम था, एक सवाल और कर लो। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनसाइड द बबल्स, बेटा दोनों बबल्स के अंदर ऑफ कोर्स गैस होगी, उस गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका रेशियो बताओ, मतलब इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो N1 अपॉन N2 बताओ, N1 अपॉन N2 बताओ,
बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बता देंगे। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं? अरे बेटा पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी से आते हैं, और किससे आते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं पी वी अपॉन आर टी। तो पहली वाली गैस में प्रेशर उसका वॉल्यूम अपॉन आर टी डिवाइड बाई, दूसरी वाली गैस में प्रेशर उसका वॉल्यूम अपॉन आर टी। आर टी दोनों केस में सेम ही है भाई, आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर बड़ा ऑफकोर्स कुछ नहीं बोल रखा तो हर जगह सेम ही होगा, और क्या नहीं, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ गया पी वन वी वन अपॉन पी टू वी टू। अब बड़ा वैल्यूज रखनी है, प्रेशर पी वन 16, वॉल्यूम स्फीयर है तो वॉल्यूम आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस की पावर 3। बड़ा रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी सेंटीमीटर ले देंगे, ये भी सेंटीमीटर ले देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्रेशर पी टू बड़ा उसमें प्रेशर आएगा 12 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस की पावर 3, बड़ा रेडियस है 4 की पावर 3, 4/3 पाई, 4/3 पाई गायब हो गया। बड़ा देखना क्या आंसर आया, बड़ा कितना आया 16 इंटू 8 अपॉन बड़ा 12 इंटू 64, ये बड़ा 4, ये बड़ा 2, बड़ा 1/6, बड़ा कितना आ गया 1/6, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया 1/6। नंबर ऑफ मोल्स इन दिस इज टू, नंबर ऑफ मोल्स इन दिस इज 1/6। वैसे ये जो आखिरी वाला जो पार्ट था ना बेटा, आईआईटी एडवांस का सवाल था शायद, है ना, वैल्यूज बड़ा हो सकती है कि ऊपर नीचे हो, हाँ शायद बड़ा वैल्यूज मोर ऑर लेस ऐसी थी, उसमें पूछा था इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो 6 बोल देना और क्या, इंटीजर में आंसर चाहिए था इसलिए ऐसा हो, ठीक है बच्चा। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और सवाल, एक और सवाल बेटा, बड़ा हुआ क्या कि आपके पास है ना दो स्फेरिकल बबल्स हैं, एक स्फेरिकल बबल थोड़ा छोटा है और एक स्फेरिकल बबल थोड़ा सा बड़ा है, दोनों ही बड़ा सोप सॉल्यूशन के ही बने हुए, ठीक है। एक का रेडियस बड़ा आर वन, एक का रेडियस आर टू, दोनों के दोनों जो है वो सोप बबल है, ये जो मैं बोलता हूं ना कि सोप बबल है, तो मेरे कहने का अर्थ ये कि मतलब दोनों की सरफेस टेंशन सेम है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स बड़ा इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, इसके अंदर प्रेशर कम होगा, क्यों? क्योंकि जिसका रेडियस कम उसका प्रेशर ज्यादा, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा, इसमें प्रेशर कम है। अब हमने क्या किया, दोनों को टच करा दिया, दोनों को हमने टच करा दिया, जैसे ही बेटा मैंने दोनों को टच कराया, जैसे बड़ा दोनों को टच कराया, जहां पर टच कराओगे ना वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हल्का सा चेंज हो जाएगा, एंड इट विल लुक लाइक दिस। मैं बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पा रहा, बट हर जगह बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन ही रहेगा, दूसरा वाला जो स्फीयर है बेटा उसको टच कर गया, इसका रेडियस आर टू है बेटा, इसका रेडियस आर वन है। अब जहां पर दोनों जने टच करे ना वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हल्का सा चेंज होगा, सुनना सुनना, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हल्का सा चेंज होगा, और कैसे होगा अब मैं जानता हूं,
कि दोनों को टच कराऊंगा, इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है। तो जैसे टच कराओगे तो बीच वाला जो आपका इंटरफेस होगा ना, वो ऐसा सा हो जाएगा बेटा, ऐसा सा हो जाएगा, ऐसा सा हो जाएगा, यूं सा। इसका सेंटर इस तरफ ही रहेगा, इधर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, इस तरफ प्रेशर कम है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालना है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर ने आर सी लिख दिया है। बाकी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन आर टू ही है बेटा, ये आर टू था, ठीक है सॉरी, बाकी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन आर टू ही है। जहां पर दोनों बबल, दोनों सो बबल जहां टच किए, वहां पर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हल्का सा चेंज होगा, और वो चेंज इस तरह से होगा कि उस सरफेस का सेंटर जो है वो इस तरफ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, और मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है बेटा, मुझे ये वाला प्रेशर, सॉरी ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो जहां पर दोनों टच किए हैं उस पॉइंट पर बेटा मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। निकालते हैं बेटा, निकालते हैं, निकालते हैं। अभी निकालते हैं। मेरे पास एक प्लान है, सुनना बेटा क्या प्लान है। बाहर का प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक, बाहर का बेटा ऑफकोर्स प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक। ऐसे कोई पॉइंट ले लो और इस पॉइंट का प्रेशर मैं दो स्टाइल से लिख सकता हूं। कैसे? पहले यहां से यहां का लिखूंगा, फिर यहां से यहां का लिखूंगा। इसी पॉइंट का प्रेशर मैं एक तरह से वो लिख सकता हूं, यहां से यहां का लिख दूं। अब एक ही पॉइंट पर दो प्रेशर तो हो नहीं सकते, हम तो जानते हैं कि एक ही पॉइंट पर एक ही प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं दो स्टाइल से लिख रहा हूं। यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक, तो यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक सरफेस है जिसका सरफेस टेंशन है एस, और बीच में सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन। तो यहां से यहां जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और यहां का कितना हो जाएगा? यहां का हो जाएगा पी एटीएम प्लस 4s अपॉन आर वन। सर 4s क्यों लिखा? सोप सॉल्यूशन है बेटा, दो लेयर्स हैं तो 4s तो लिखना ही पड़ेगा। ये तो यहां का प्रेशर है, यहां से आऊंगा तो प्रेशर घटेगा। सर क्यों घटेगा? बेटा बीच में सरफेस है यू, सेंटर है इस तरफ, इस सरफेस का सेंटर है इस तरफ, तो ऑफकोर्स इधर से इधर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। कितना घटेगा? माइनस 4s अपॉन rc, माइनस 4s अपॉन rc। s क्या है? सरफेस टेंशन। rc क्या है? इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस थी u, इधर सेंटर, इधर प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर कम। कितना कम? 4s अपॉन rc, माइनस वो लगा दिया माइनस। क्यों? क्योंकि इधर से इधर प्रेशर घटेगा। यहां का प्रेशर मैं एक स्टाइल से वो लिख सकता हूं। कैसे? यहां का प्रेशर है पी एटमोस्फेरिक, यहां से यहां आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? पी एटीएम प्लस 4s अपॉन बीच की जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट कम्स आउट बी आर टू। पी एटीएम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि बड़ा दे भी नहीं रखा था। 4s भी कैंसिल होना चाहिए क्योंकि दे नहीं रखा था। और हमारे पास आर सी की वैल्यू आ गई बेटा, वन अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। और आर सी की वैल्यू आ गई है आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। अच्छा रिजल्ट भी बेटा, बहुत सारे सवाल थोड़ा ऐसे पूछ रहे हैं, जेई मेन में तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं सवाल को। रिजल्ट याद रखना चाहूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने के मूड में था। कोई बच्चा बोलते सर इसी पॉइंट का प्रेशर ही क्यों लिखा? सर इस पॉइंट का प्रेशर तो लिख सकते हो। हाँ बड़ा लिख सकता हूं। इस पॉइंट का प्रेशर मैं दो स्टाइल से लिख सकता हूं। कैसे? एक बार इधर से इधर आकर और एक बार इधर से इधर आऊंगा, फिर इधर से इधर आऊंगा। आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। चलो लिख के दिखा देता हूं। इस पॉइंट का प्रेशर, यहां का प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक, यहां से यहां कूदूंगा तो बड़ा ऑफकोर्स बीच में सरफेस है इस तरह, इधर प्रेशर कम, जिस तरफ सरफेस का सेंटर होगा उस तरफ प्रेशर ज्यादा। कितना ज्यादा? पी एटीएम तो पहले ही था, प्लस 4s अपॉन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। इसी पॉइंट का प्रेशर में एक स्टाइल से और लिख सकता हूं। कैसे? पहले यहां से आऊंगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा सेंटर की तरफ आ रहे हो, तो पी एटीएम प्लस 4s अपॉन r2 प्लस यहां का प्रेशर हो गया। अब बीच में ये एक सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर, ये सरफेस बेटा यू करके बैठी है, सेंटर है इस तरफ, तो इधर से इधर आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा?
4s अपॉन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही तो निकालना है, दैट इज आर सी। पी एटीएम कैंसिल, 4s 4s कैंसिल, एंड एज यू नो दैट द इक्वेशन हैज बिकम अगेन द सेम सेम इक्वेशन, बट सेम आंसर। और हमारे पास आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ये हमारा आंसर है बेटा। आई होप यू गेट द पॉइंट, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एक बड़ा छोटा सा टॉपिक और, दैट इज एक्सेस प्रेशर इन ए कर्व्ड सरफेस having two radii of curvature। हर बार spherical droplet ही हो बट ऐसा जरूरी, spherical में तो बड़ा radius of curvature इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ जाओगे सेम आती है। अगर बड़ा कोई arbitrary surface हो और उसमें एक से ज़्यादा अगर radius of curvature हो तो किस तरह से excess pressure निकालते हैं वो देखते हैं। मैं डेरिवेशन भी करा रहा हूँ बट डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ बड़ा जो भी आईआईटी एडवांस में अच्छी रैंक लाने वाले बच्चे हैं उनके लायक की है, एंड किसी को ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम देना हो उनके लिए, अदरवाइज बाकी बच्चे बिल्कुल फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और फॉर्मूले में एक स्पेसिफिक केस जो होगा उससे भी हमारा बात बन जाएगी, उससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात को बड़ा, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ बड़ा बहुत ही शार्प बच्चों के हिसाब से ही है। हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर जाए तब बात बन जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला मैं ऑफकोर्स आखिर में लिखूंगा वरना इंटरेस्टिंग रहेगा आपका ना। चलिए बेटा मान लीजिए कि आपके पास बेटा कोई इस तरह के सरफेस है, इस तरह का कोई सरफेस, ये बड़ा कोई सरफेस है ऐसी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वन और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बड़ा यहां कहीं है, मैं इसको सी वन लिख रहा हूं और ये वाला एंगल बड़ा मैं एक बार के लिए फाइव लिख रहा हूं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा मेरे पास आर वन है, फाइव बड़ा छोटा है, ये जो लेंथ है बड़ा मैं इसको बड़े R1 से R1 into 5 लिख सकता हूँ। ये दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा यहाँ कहीं है, मैं इसको C2 लिख रहा हूँ। इसने जो एंगल सब्सटेंड कर रखा है सेंटर पर बड़ा वो थीटा है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा आपका R2 है, ठीक। ये बड़ा आपको आपकी सरफेस है, जो लेंथ बड़ा ये वो लेंथ ही है, जो लेंथ ही बड़ा वैसे उधर भी लेंथ बन जाएगी, ठीक। यहां तक ठीक है बड़ा। कर्व्ड सरफेस यू है, यू है, मुझे लगता है अंदर बड़ा प्रेशर, कर्व्ड सरफेस के सेंटर इस तरफ है तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बड़ा, बाहर प्रेशर कम होगा। अंदर का प्रेशर बड़ा मैंने पी टू मान लिया, बाहर का बड़ा मैंने प्रेशर पी वन मान लिया। प्रेशर डिफरेंस के कारण बाहर की तरफ बड़ा ऑफकोर्स कोई ना कोई फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ बड़ा कोई ना कोई फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स P2 इनटू एरिया माइनस P1 इनटू एरिया, दैट इज ऑब्वियसली P2 माइनस P1 इनटू एरिया। बड़ा फाई और थीटा बड़ा आपके छोटे हैं, मैं उनके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये जो कर्व्ड सरफेस है बड़ा इसकी आप लेंथ लिख, सॉरी इसका एरिया आप लिख सकते हो। अच्छा बड़ा ये लेंथ है R2, ये एंगल है थीटा, तो बड़ा ये लेंथ आपके पास आएगी R2 into theta। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो सरफेस है, इसका एरिया आप लिख सकते हो R1 phi into R2 theta। तो इट विल बिकम P2 माइनस P1 into R1 phi R2 theta। दिस इज द फोर्स, theta अच्छा नहीं लिखा, लो अच्छा लिख देते हैं। ये बड़ा आपका बाहर की तरफ फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बड़ा, फोर्स तो बैलेंस करने के लिए होना चाहिए, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं इस बात को जानता हूं सरफेस टेंशन के फोर्स भी आएंगे, सरफेस टेंशन का बड़ा फोर्स इस पर ऐसे टेंजेंशियली आएगा,
इस पर बड़ा ये फोर्स टेंजेंशियली आएगा। इस लेयर की अगर बात करूं तो बड़ा इस पर फोर्स ऐसे आएगा, बड़ा ये ऐसे खींचेगा, पूरी की पूरी सरफेस पर इस तरह के कोने कोई फोर्सेज आएंगे। हो सकता है कि बड़ा ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाए और कुछ ना कुछ बड़ा नेट नीचे की तरफ फोर्स आ जाए, वो फोर्स और एफ आउट वाला जो फोर्स है उसको बैलेंस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए बड़ा इनमें से कोई सा एक ले लेता हूँ, है ना, जैसे मैं यल लेता हूँ, ये ले लूँ, देखना बेटा इस कर्व को लेता हूँ, ये कर्व बेटा ऐसे, ये लेंथ बड़े भले ही आर टू थीटा हो लेकिन सुनना बेटा, ये आर टू है, ये आर टू है, ये एंगल थीटा बाई टू, ये वाला एंगल थीटा बाई टू, ठीक है। मैंने बेटा ये वाला जो तो कर्व है ना इसके अलोंग, बेटा ध्यान से देना, ये कर्व तो ऐसे है लेकिन ये लेंथ कितनी होगी बेटा, दिस लेंथ विल बी आर वन इंटू फाइव, बेटा दिस लेंथ विल बी आर वन इंटू फाइव, तो यहां से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ऐसे, दैट विल बी सरफेस टेंशन इंटू ये वाली लेंथ, बेटा दिस लेंथ इज ऑफ कोर्स आर वन इंटू फाइव, बेटा दिस लेंथ इज आर वन इंटू फाइव, तो बेटा दिस फोर्स विल बी एस वन इंटू आर वन फाइव, सरफेस टेंशन बेटा ऐसे। इसी तरह से यहां पर बेटा इधर भी, इधर भी, इधर भी, पूरी की पूरी बेटा ये जो लेंथ है ये हम जानते हैं आर वन फाइव है, ये लेंथ होगी आर वन फाइव, तो पूरा का पूरा जो फोर्स आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज सरफेस टेंशन इंटू आर वन इंटू फाइव। ठीक है, ये एंगल थीटा बाई टू, बड़ा ये वाला एंगल भी आपका थीटा बाई टू, बड़ा ये वाला एंगल भी आपका थीटा बाई टू, ये वाला सॉरी बेटा ये वाला एंगल थीटा बाई टू, तो ये वाला एंगल थीटा बाई टू, बड़ा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू, ये वाला एंगल आपका फिर से थीटा बाई टू, ओह सॉरी बेटा फिर ये वाला थीटा बाई टू नहीं, ये वाला एंगल आपका थीटा बाई टू, ये वाला एंगल भी बेटा आपका थीटा बाई टू, ये वाला जो फोर्स होगा और ये वाला जो फोर्स होगा वो कैंसिल, ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, और ये जो मेरे पास फोर्स आएगा बेटा दिस फोर्स विल बी ऑफ कोर्स एस आर वन फाइव, एस आर वन फाइव मल्टीप्लाइड बेटा ये वाली लेंथ, मल्टीप्लाइड बाई ये वाली लेंथ, बड़ा ये वाले सॉरी हाँ मैं एक बार बड़ा ये तो लिख चुका हूँ एस वन आर वन फाइव, ये लिख चुका हूँ, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा कॉस थीटा बाई टू, ये वाला आएगा मेरे बच्चे साइन थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा एस आर वन फाइव साइन थीटा बाई टू, बड़ा ये एस आर वन फाइव साइन थीटा बाई टू। चलिए बेटा ये वाले फोर्स कैंसिल, ये जो फोर्स और ये जो फोर्स थे इसके ये वाले कंपोनेंट जोड़ दिए, नीचे की तरफ मेरे पास नेट फोर्स आ गया एस आर वन फाइव साइन थीटा बाई टू इंटू टू, ब्रैकेट टू किस बात का, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करूंगा। बच्चे बोलेंगे सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फोर्स लिखा है, ये वाला जो फोर्स इस लेयर के अलोंग जो फोर्स लगा है वो लिखा है, सर इसके अलोंग जो फोर्स लगा वो भी लिखो, बेटा लिखने में फिर से टाइम लग जाएगा, आप तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करो कि आर वन की जगह आर टू लिख दो, थीटा की जगह फाइव लिख दो, मोर और लेस बेटा जैसा एक्सप्रेशन इस लेयर पर फोर्स के लिए आया वही एक्सप्रेशन बेटा इसके लिए भी आएगा, तो वो जो फोर्स आएगा बेटा दैट विल बी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बेटा इस ये वाले जो लेयर थी ना इस पर लगने वाला जो फोर्स था वो निकाला, वैसे बेटा ये वाला भी निकाल लेंगे, तो उसके लिए एक काम कीजिए एस ठीक है R1 की जगह लिख दो R2, phi की जगह लिख दो थीटा, साइन थीटा बाई टू की जगह लिख दो साइन phi बाई टू इंटू टू। वी नो दैट कि थीटाज एंड phi's आर वेरी स्मॉल, थीटाज एंड phi's आर वेरी स्मॉल, तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकता है कि साइन x इज नियरली इक्वल टू x इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसे में बड़े आराम से कह सकता हूं कि s R1 phi साइन थीटा बाई टू को मैं लिख सकता हूं थीटा बाई टू ऑफकोर्स इंटू टू,
प्लस एस इंटू आर टू इंटू थीटा साइन 5 बाई टू को मैं लिख सकता हूँ 5 बाई टू इंटू टू, टू से टू, टू से टू कैंसिल, एस मेरे बच्चे बाहर आ गया, आर वन प्लस आर टू इंटू थीटा इंटू फाइव। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे रीजन पर जो भी आपकी बड़ा सरफेसेस थी उन पर नीचे की तरफ बड़ा कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और जो नीचे की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है उसकी वैल्यू बड़ा हमने बड़ी मेहनत से निकाली है, एस इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू थीटा इंटू फाइव। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर दिस अंदर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस बाहर वाला फोर्स, और जैसे बड़ा मैंने अंदर वाले फोर्स को बाहर वाले फोर्स के बराबर किया, मैं इसको लिख सकता हूं एस इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू थीटा इंटू फाइव, थीटा फाइव थीटा फाइव सारे के सारे बड़ा मेरे पास कैंसिल हो गए और हमारे पास पी टू माइनस पी वन की वैल्यू आ गई है। P2 माइनस P1 की बड़ा वैल्यू कितनी आ गई है, R1 प्लस R2 इंटू S अपॉन R1 R2। बड़ा यही आंसर आ गया होगा, R1 R2 S अपॉन R1 R2, बड़ा ही अपना आंसर आ गया। और अगर ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर होते तो ऊपर आता आर आर टू आर, नीचे बड़ा आर इंटू आर आर स्क्वायर, बड़ा उस केस में आपका आंसर था टू एस अपॉन आर, टू एस अपॉन आर बड़ा आंसर आना ही चाहिए था, क्योंकि ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता बड़ा फिर तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस ही हो जाता। इसको मेरे बच्चे ऐसे भी लिखा, बड़ा इसको हम लिख सकते हैं एस इंटू वन अपॉन आर वन प्लस बड़ा वन अपॉन आर, बड़ा ऐसे में ले सकते हैं एस इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो जो हम रिजल्ट याद रख सकते हैं बड़ा उस रिजल्ट पे आते हैं, बड़ा जो रिजल्ट याद रख सकते हैं बड़ा उस रिजल्ट पे आते हैं एक बार के लिए सुनना बेटा, जो मैं रिजल्ट याद रखना चाह रहा हूं बड़ा वो रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट ऐसा है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है इस तरह की, एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन और एक तरफ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपके पास आर टू, तो बाहर का प्रेशर अगर P है तो अंदर का प्रेशर होगा P प्लस डेल्टा P, और डेल्टा P की जो वैल्यू होगी बड़ा वो होगी S 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इससे आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक्सेस प्रेशर का मेरे पास फॉर्मूला आ गया है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मल्टीप्लाइड विथ S। R1 R2 क्या है बड़ा, जो दो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं वो है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बड़ा हमारा स्पेशल अब इसमें दो स्पेशल केस, जैसे मैं आपको कह रहा था स्फीयर वाला, अगर ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम हो गए, सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम हो गए तो ऑब्वियस बात है बेटा ये तो आपकी स्फेरिकल सरफेस ही हो जाएगी, और अगर स्फेरिकल सरफेस हो जाएगी उस केस में आप कह सकते हो कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई है एस 1 अपॉन आर वन प्लस बड़ा 1 अपॉन आर टू, दैट कम्स आउट बी 2s अपॉन r। यही रिजल्ट बड़ा अपन ने याद कर रखा था, स्फेरिकल सरफेस होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम होगा, r1 r2 सेम होंगे और एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 2s अपॉन r होगी। दिस पेज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, बड़ा पिछला पेज तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के लिए था। एक केस और बड़ा, और वो हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए ही बड़ा हम सारा सारा फॉर्मूला निकाल रहे थे, वो है हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस। सुनना बेटा, मान लीजिए बेटा वाटर जो है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है, बेटा वाटर जो है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में, बाहर का प्रेशर पी है तो अंदर का प्रेशर ऑफ कोर्स पी प्लस डेल्टा पी है, इस वाटर का सरफेस टेंशन मुझे दे रखा है S और ये सिलेंडर की मुझे रेडियस दे रखी है R। अंदर का प्रेशर कितना ज्यादा हो, बड़ा अंदर का प्रेशर कितना होगा सोचते हैं। यहां पर मेरे लिए दो रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सबसे छोटा रेडियस, सबसे छोटा रेडियस बड़ा मेरे लिए ये, इसे मैं R1 बोल रहा हूं, R1 आ गया R। एक रेडियस मेरे लिए और इंपॉर्टेंट है और वो है
ये सबसे बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर सिलेंड्रिकल अंदर बेटा, ये वाले सरफेस, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ, ये तो फ्लैट है सर, फ्लैट का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होता है बेटा, बिल्कुल सही बात है। दो रेडियस इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी वाली और सबसे बड़ी वाली, और आप कह सकते हो कि अंदर का जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा आएगा, और कितना ज्यादा आएगा, डेल्टा पी विल बी एस वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू एंड द एक्सेस प्रेशर मेरे बच्चे कम्स आउट टू बी एस बाई आर, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा बेटा वो 2s अपॉन r नहीं बल्कि s अपॉन r होगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। हालांकि सिर्फ और सिर्फ तुम फॉर्मूला याद रख लो बेटा तब भी बात बन जाएगी, बट ठीक है ना, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला था उससे हम इस तरह से लेके आ सकते हैं। हमारे मोस्टली सवालों के अंदर स्फेरिकल सरफेस होंगी और बेटा एक्सेस प्रेशर जो होगा वो 2s अपॉन r और 4s अपॉन r होगा, डिपेंडिंग ऑन कि सरफेस एक है या दो है। इक्का दुक्का सवाल बेटा अपनी शीट के अंदर ऐसे हैं जिसमें इस तरह की सिलिंड्रिकल सर्फेस बनी होंगी, उसमें एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू होगी बेटा वो एस बाई आर होगी, लेकिन एस बाई आर से बेटर फॉर्मूला बेटा ये वाला था, एस इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, इससे ये कैसे है मैंने आपको दिखा दिया। इक्का दुक्का सवाल होगा बेटा सिलिंड्रिकल सर्फेस पे, बाकी बेटा सारे के सारे सवाल हमारे स्फेरिकल सर्फेस वाले ही होंगे। आई होप यू विल मैनेज इट। डेरिवेशन बेटा फिर से बोल दूं, ईगो पे नहीं लेनी है, ठीक है, समझिए। चलिए अगली क्लास में पढ़ते हैं ना, तब तक बड़ा इससे काम चलाइए।